हाय एवरीवन, मैं हूं कविता एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये हमारा ईद के ऊपर में पार्ट टू वीडियो है। इसके पहले मैंने एक कुर्ती के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें हम लोग एक हाई वेस्ट फुल घेर वाली प्लाजो बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 4.5 मीटर बटर सिल्क लिया है और इसका मेजरमेंट कुछ इस तरीके से होगा। मेरी जो फुल लेंथ है वो 40 इंचेस होगी, जिसमें से 1.5 इंच का हमारा जो बेल्ट है वो होगा और 38 इंच हमारा नीचे का जो लेयर है वो होगा। मेरी जो वेस्ट है वो 34 इंचेस है और जो मेरी हिप है वो 38 इंचेस है, जिसमें मैं 10 इंच प्लस करूँगी। तो आपको भी सेम इस तरीके से लेना है, आप 1 से 2 इंच कम भी कर सकते हैं हिप वाले पार्ट में। तो सबसे पहले कपड़े को डबल कर लेना है इस तरीके से, और उसके बाद में हम लोग इसको लंबाई में फिर से डबल कर लेंगे। मतलब टोटल हमें 4 पार्ट इसको कर लेना है और उसके बाद हमें एक ट्रायंगल बनाना है, जिससे कि ये हमारा टोटल 8 पार्ट हो जाए। जैसे कि मैंने स्कर्ट और लहंगा में दिखाया हुआ है, सेम इस तरीके से हम लोग इसको लेंगे, क्योंकि हमें पूरा फुल घेर वाला प्लाजो चाहिए, इसलिए इसको इस तरीके से लेना है। और इस तरीके से हमारा 4 पार्ट खुला होगा और 4 पार्ट बंद होगा। तो इसके बाद हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे कुछ इस तरीके से, और देख सकते हैं 4 पार्ट खुला और 4 पार्ट बंद है। इसके बाद टोटल हिप का, जैसे 48 है मेरा, तो उसका 8 पार्ट 6 इंचेस होगा। तो जहाँ पे 6 इंचेस आ रहा है आपको बस वहाँ पे इंची टेप रखना है और इस तरीके से उसको घुमाते हुए जस्ट मार्क कर लेना है। और इसके बाद में चेक कर लेंगे कि ये हमारा टोटल 6 इंचेस है या नहीं। अगर यहाँ पे कम या ज़्यादा है तो आप यहाँ से मैनेज कर लीजिए। जैसे कि मेरा 6.5 हो गया है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँगी और इसको, ताकि ये मेरा टोटल 6 इंचेस आ जाए, जिसमें से 4 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और जो 4 इंच है वो हमारा कंफर्टेबल होगा इस वजह से पहनने में। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। और यहाँ पे हमें 39.5 पे मार्क करना है, क्योंकि 1 इंच सिलाई में जाए हमारा टोटल 38 बचेगा और हमारा 1.5 इंच का बेल्ट होगा, तो ये टोटल 40 इंच हो जाएगा। इसके बाद इस तरीके से करने के बाद हम लोग इसको कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं नीचे में थोड़ा सा पार्ट हमारा कम पड़ गया है। तो यहाँ पे कपड़े को मैं डबल कर लेती हूँ, जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, और उसके बाद जस्ट इसके ऊपर रखना है आपको, और अगर कम पड़े तो, और नहीं तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से रखने के बाद में मैंने डबल करके रख लिया है। हमें टोटल 4 पार्ट चाहिए, तो मैं 2-2 करके काट लूँगी। 1/2 इंच ऊपर रख करके इसको कट करना है, तो मैंने 2 पार्ट कट कर लिया है। और सेम इस तरीके से मैं फिर से कपड़े को डबल कर लूँगी और उसके ऊपर मैं इसको रख के मैं इसको भी कट कर लूँगी, और जो हमारा साइड से जॉइंट था उसको भी हम लोग कट करके अलग कर लेंगे। तो ये हमारा कट चुका है, अभी हम लोग ऊपर वाले पार्ट को भी कट कर लेंगे इस तरीके से। और जो हमारा 4 पार्ट बंद था मैं उसको भी कट कर लूँगी, क्योंकि ये हमारा जब हम लोग बेल्ट और इलास्टिक जॉइंट करेंगे तो उस टाइम प्रॉब्लम करेगा, तो इसलिए मैंने इसको टोटल 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अभी हम लोग 4 पार्ट खोल देंगे और बाकी का जो 4 पार्ट है उसमें हम लोग अपना क्रॉच लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे मैं 14.5 इंच लूँगी अपना क्रॉच लेंथ, आप अपने हिप के हिसाब से ले, अगर 38 या 40 है तो आप उसी हिसाब से आप ले सकते हैं 14.5, या फिर आप थोड़ा कम कर सकते हैं अगर आपका हिप कम है तो। और यहाँ पे जस्ट इस तरीके से एक शेप देना है, यहाँ पे कोई शार्प सा कोई भी शेप नहीं देना है, जस्ट एक नॉर्मल सा इस तरीके से शेप दे देना है इसको, और हम लोग इसको कट कर लेंगे। ये हमारा सिर्फ 4 पार्ट था, टोटल पार्ट को नहीं कट करना है, इस बात का ध्यान रखें आप। और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा खुलने के बाद में। तो ये सामने सामने हमारा इस तरीके से 4 पार्ट होगा। तो देखिए 2 उस तरफ है और 2 इस तरफ है, तो हमें एक एक पार्ट को इस तरीके से लेना है और जस्ट 1/2 इंच पे हमें सिलाई लगानी है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है सिलने के टाइम पे, नहीं तो वो खींचेगा। तो आप भी 1/2 इंच पर ही सिलाई लगाएं। और यहाँ पे मेरा कपड़ा थोड़ा कम पड़ गया था, तो इसीलिए मैं जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसमें से मैं बेल्ट निकालूंगी। तो इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है, क्योंकि हमारा 1.5 इंच का बेल्ट होगा, तो मैं कपड़े को डबल करूँगी, तो वो टोटल हमें 3 इंच चाहिए और 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, ताकि हमारा जो सिलाई में है वो 1 इंच जाए, तो टोटल 4 इंच लेना है यहाँ पर। तो मैंने इस तरीके से चौड़ाई में 4 इंच ले लिया है, और मैं इस तरीके से 3-4 पट्टियाँ काट लूँगी, जो भी हमारा बचा हुआ फैब्रिक है। अगर आपके पास टोटल बड़ा क्वांटिटी में है तो आप डायरेक्ट एक लंबी सी चौड़ी सी काट लीजिए अपने बेल्ट के लिए कपड़ा। और देखिए इस तरीके से मैंने सिल लिया है नीचे जो हमारा जॉइंट का पार्ट था, और यहाँ पर मैंने क्रॉच लेंथ को भी सिल लिया है। देखिए ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। कटिंग होने के बाद में सिलना बहुत ही ईजी हो जाता है इसको। और जस्ट देखिए जो हमारा कपड़ा मैंने पट्टी के लिए काटा था, इसको बस इस तरीके से लेना है अपोजिट साइड में, और जस्ट इसके 1/2 इंच पे सिलाई लगानी है,
और हाफ इंच पे सिलाई लगाने के बाद में हमें जस्ट इसको ऊपर की तरफ करना है जो सिलाई वाला पार्ट होगा, और जस्ट फिर से ऊपर से हमें हाफ इंच फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। दूसरे वाले पार्ट के लिए हमें सेम इस तरीके से कपड़ा लेना है, बट इसके बीच में एक बकरम ऐड करना है ताकि वो थोड़ा सा जो कड़ापन है वो हमारा रहे, नहीं तो वो बहुत ही लूज़ हो जाएगा सामने से तो लुक अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरीके से लेने से आप इजीली प्लाजो को टॉप के साथ भी पहन पाएंगे। तो सेम इस तरीके से जस्ट 1.5 इंच चौड़ा मैंने बकरम ले लिया था और बस उसको मैंने बीच में रख के सिलाई लगा ली है ताकि इधर उधर ना जाए, और बस इसके ऊपर हाफ इंच सेम उसी तरीके से सिलना है और जो सिलाई वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ चला जाएगा और फिर से हमारा जो हाफ इंच ऊपर में बचा हुआ पार्ट है उसके ऊपर रख के बस सिलाई लगा लेनी है, तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं जितना बकरम हो उतना आपको नहीं लेना है, फैब्रिक से 1 इंच कम लेंगे हम लोग बकरम, जैसे 1.5 इंच हमें चाहिए तो हमें 1.5 इंच वो बकरम भी लेना है, इस बात का ध्यान रखें। और देखिए ये हमारा जो बैक का पार्ट है जिसमें हमें इलास्टिक लगाना है, तो मैंने जस्ट एक सेफ्टी पिन में इलास्टिक को लगा लिया है और बस इस तरफ से उस तरफ हमें निकाल लेना है। यहाँ पर इलास्टिक मैंने 12 इंच का लिया है, तो आप अपने हिप के हिसाब से उस तरीके से ले। तो ये मैंने 12 इंच ले करके मैंने जस्ट, क्योंकि ये हमारा टोटल 22 इंचेस रेडी होकर के आया था तो इसलिए मैंने 12 इंच लिया है। तो यहाँ पे दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सिल लेंगे इसको ताकि इलास्टिक हमारा इधर उधर ना निकल जाए, तो इस वजह से इसको सिलना है। और इसके बीच में स्ट्रेच करते हुए हमें एक सिलाई भी लगानी है और दोनों तरफ बस इसके ऊपर रखना है हमें दूसरे वाले पार्ट को और सिल लेना है सेम इस तरीके से। तो ये हमारा रेडी हो जाएगा। देखिए मैंने इसको सिल लिया है, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बाद में हम लोग इसको थोड़ा सा हेमिंग कर लेंगे जो हमारा सिलाई वाला पार्ट है, नहीं तो वो खड़ा खड़ा दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से मैंने मिडल में भी सिलाई लगा ली है ताकि इलास्टिक ऊपर नीचे ना हो। अभी यहाँ पे हम लोग अपना क्रॉच लेंथ सिलेंगे, तो यहाँ पे सिलाई आपको हाफ इंच ही रखनी है, ज़्यादा नहीं रखना है, और बस एक थोड़ा सा हल्का सा राउंड करना है, बिल्कुल शार्प नोक जैसा नहीं निकालना है वहाँ पे। इसके बाद हम लोग इसको एक हैंगर की मदद से कहीं भी झुला लेंगे, क्योंकि ये ओरेप कट में कटा हुआ है तो ये नीचे से छोटा बड़ा होगा, तो आप उसको ट्रिम कर ले और उसके बाद जस्ट एक चाप स्ट्रेच करते हुए सिले और फिर से उसको एक चाप सिलना है स्ट्रेच करके। तो देखिए ये इस तरीके से रेडी हो चुका है, मैंने दोनों साइड पर थोड़ा सा हेमिंग कर लिया है और सामने से इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा फिनिशिंग देता है ये वाला, और नीचे भी मैंने फोल्ड कर लिया है तो ये थोड़ा सा पिको जैसा दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो सेम इस तरीके से करना है, और हैंगर वाला जो मैंने पार्ट बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो वाला तरीका आप करते हैं तो आपका प्लाजो छोटा बड़ा नहीं होगा और बहुत ही अच्छा सा लुक देगा ये। तो ये मैंने पिछले वीडियो में मैंने इसका एक वीडियो भी बनाया हुआ है जो मैंने पहन के दिखाया था, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो देखा, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप इस प्लाज़ो को ट्राई करिएगा, इसको बनाना बहुत ही आसान है। और ये मैंने डबल घेर वाला प्लाज़ो बनाया है, इसके पहले मैंने एक सिंगल घेर वाला प्लाज़ो भी बनाया हुआ था जिसमें सिर्फ बेल्ट और चेन लगा हुआ है, तो ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है, सामने में इसके बेल्ट है और इसके पीछे में इलास्टिक है, तो ये पहनने में भी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलूँगी आपसे बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।